हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में, ऑल्सो ऑफ कोर्स अ गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान हुज मेड इट टू द गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। WhatsApp is all set to release a very interesting new logout feature. हमें पता है कि at the moment WhatsApp को सिर्फ एक ही डिवाइस के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है at a time. But now WhatsApp is trying to change that. जो feature WhatsApp की तरफ से roll out किया जाएगा, it will actually make users be able to use WhatsApp on four devices at the same time. यानी कि आप लॉग इन और लॉग आउट का इस्तेमाल करते हुए किन्हीं भी four devices के ऊपर अपने WhatsApp को इस्तेमाल कर सकेंगे। Of course, the people who used to have a big problem because उनके पास multiple devices थे या at a moment उनके पास अपना device नहीं था और वो WhatsApp को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पता है कि WhatsApp is also trying to build a business strong base and उन्होंने जो recent policy change किया था उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे customers को lose कर दिया है। But again, Facebook और WhatsApp, which is of course the parent company for WhatsApp, का कहना है कि हम लोग किसी भी तरह की जो पर्सनल कन्वर्सेशंस होंगी उनको अपने पास शेयर नहीं करेंगे, तो लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने अपने फोर नाउ टर्म्स एंड पॉलिसी में जो चेंजेस वो करने वाले थे वो नहीं होंगे ऑफकोर्स। एंड ऑल्सो WhatsApp इज ट्राइंग टू वर्क ऑन द वीडियो कॉलिंग एंड ऑडियो कॉलिंग फीचर फॉर WhatsApp वेब एज वेल। तो WhatsApp की तरफ से काफ़ी कुछ नया देखने को मिल रहा है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू विन बैक द कस्टमर्स जो कि उन्होंने लूज़ कर दिए हैं। सो उम्मीद करते हैं कि जो बहुत सारे कस्टमर्स उन्होंने लूज किया, दे डू कम बैक टू WhatsApp बिकॉज WhatsApp is trying really really hard. A girl from Pakistan is all set to be a part of the Guinness Book of World Records. Nellofer Shirazi, जो कि इस्लामाबाद से belong करती हैं, एंड अगर उससे पहले की बात करें, she is from Khyber Pakhtunkhwa. She is a 32-year-old जो कि एक masters of chemistry student रह चुकी हैं एंड नाउ शी इज़ ऑल्सो टीचिंग ऑन द साइड। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शौक जो है वो डेवलप किया 2018 के अंदर। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की विद द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग ब्रिक्स। 150 ब्रिक्स वो इससे पहले भी तोड़ चुकी हैं इन वन गो ऑफ कोर्स, एंड नाउ शी इज़ मेड द अटेम्प्ट टू ब्रेक 1000 ब्रिक्स ऑल टुगेदर, जिसमें उनको 27 मिनट्स लगे थे अराउंड। उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि आई वॉज़ रियली रियली प्राउड ऑफ दिस मोमेंट बिकॉज मेरी फैमिली, मेरे ट्रेनर्स और वो सब लोग जो मेरे बारे में फिक्र करते हैं, मेरी केयर करते हैं, वो मेरे साथ थे और उनकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला और मैं रीअश्योर्ड फील कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ मेड दिस रिकॉर्ड नाउ, जो जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अब गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेज दी गई है, जिसके बाद उनका नाम ऐड कर दिया जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर। वो रियली रियली प्राउड ऑफ यू नेलोफर। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है फॉर ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स इन पाकिस्तान कि अगर वो कोई भी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं या दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो है वो आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो दे कैन ऑलवेज डू दैट इवन इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए। तो हेयर्स टू ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल द गर्ल्स आउट देयर, डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप ट्राइंग। Telegram becomes the most downloaded application in January 2021. Of course, हमें पता है कि WhatsApp has been in a bit of trouble, जिसके बाद Telegram has taken over a lot of its customers. Just last month in January 2021, Telegram को 63 million users ने download किया है, जिसके बाद it's become the most downloaded application. TikTok is the second most downloaded application. And WhatsApp has actually fallen really, really behind because was 7th number ke upar stand karti hai in the most downloaded applications. And just in December 2020, it was actually on number 6th. And of course, Telegram has taken over a lot of customers. And we all know that WhatsApp has been trying really hard to win back its customers. Jab unhone last month he announced kiya tha ki wo apne terms and policy ko change karenge, jiske baad bahut sare users ne platform ko abandon kar diya aur dusre platforms ki taraf jaane lage. Telegram is relatively a very similar application jisko Elon Musk ki taraf se bhi suggest kiya gaya tha. Unka kehna ye bhi tha ki Facebook unhone bahut pehle hi chhod diya tha because of its privacy issues, and I think a lot of people actually did listen to Elon Musk aur unhone bhi Telegram ko istemal karna shuru kar diya. Let's see how it turns out in the future, if Telegram can stick its customers, या फिर वो सारे कस्टमर जो WhatsApp ने लूज किए हैं वो WhatsApp की तरफ वापस आ रहे होंगे, because हम देख रहे हैं कि WhatsApp is rolling out a lot of new features. So let's see कि आगे चल के क्या होता है. So these were our top 3 trending news for today. आप हमारे YouTube channel भी subscribe कर सकते हैं, and of course, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया एज वेल, एंड प्लीज़ कमेंट्स में डू लेट अस नो कि आप हमारे शो में किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।